बीते रोज दोपहर बाद चंदलालाल कुशनगर मार्ग पर ट्रैक्टर से भिड़कर बाइक में सवार दो लोग बुरी तरह घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए चंदलाल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, मगर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्टाफ ना होने की वजह से घायलों को उपचार नहीं मिल सका और घायल युवक ने स्वास्थ्य केंद्र की फर्श पर ही सिसक कर दम तोड़ दिया। वहीं इस पूरी घटना के बाद घायल दूसरे नवयुवक को भी उपचार नहीं मिल सका, जिससे गुस्साए परिजनों ने शव को रखकर मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब 5 घंटे तक चंदला के मुख्य मार्ग पर जाम लगा रहा। जैसे जैसे घटनाक्रम की सूचना प्रशासन तक पहुंची, लवकुशनगर SDOP नवीन दुबे, चंदला TI हरि सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में चंदला, हिनौता, बंसिया विभिन्न स्थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्रशासनिक अधिकारियों की बात मानकर परिजन डेड बॉडी को लेकर चंदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की डेड हाउस लेकर पहुंचे, मगर कुछ ही देर में मृतक के परिजन भड़क गए और डेड बॉडी को लेकर दोबारा मुख्य सड़क पर आ गए। जाम की वजह से आवागमन पूर्णतः बंद हो गया था। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं और लोगों का आवागमन पूर्णतः बंद हो गया। फिर करीब 5 घंटे बाद नगर परिषद उपाध्यक्ष अंशु हर्षद शुक्ला बछौन, चौकी प्रभारी सोहन शयाम के विशेष प्रयासों से परिजन मान गए और डेड बॉडी को लेकर चंदला के डेड हाउस पहुंचे, जहां डॉक्टर द्वारा मृत का पोस्टमार्टम किया गया। 5:30 बजे थाना प्रभारी चंदला के द्वारा सूचना दी गई कि बछौन तिराहे पे महेश पिता राम बाबू, उम्र लगभग 18 वर्ष, निवासी महुआ मूल रूप से, लेकिन यहाँ पे रह रहे हैं। इनका एक्सीडेंट हो गया था, एक ट्रैक्टर जा रहा था उसके पीछे बाइक थी, उसमें ठोकर लगने से वहाँ मौके पे ही महेश का निधन हो गया। उसके बाद उनके परिजन आक्रोश में आ गए थे और उनके द्वारा सड़क पे जाम लगाया गया। परिजनों को लगातार पुलिस के द्वारा समझाइश दी गई, साथ में तहसीलदार साहब भी थे, SDM साहब से भी संपर्क किया गया। उनकी प्रमुख मांग मुख्य रूप से यहाँ पे हॉस्पिटल में लगातार डॉक्टर बने रहें, इसके संबंध में था, और तो वो व्यवस्था भी करा दी गई और पुलिस के द्वारा समझाइश देने के बाद में परिजन मान गए हैं और अभी बॉडी को PM कार्रवाई के लिए मॉर्चर में सुरक्षित रख पा। वो लोग इसलिए माने, मैंने उनसे बोला कि मैं आपकी हर तरीके से मदद करूंगा, आपको क्लेम दिलवाऊंगा, जहां भी आपके साथ में जाना पड़ेगा वहां आपके साथ में चलूंगा, और भी जो आपकी आर्थिक मदद होगी क्रियाक्रम में, जो दाह संस्कार में जो भी आपकी मदद होगी उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। अभी जैसे उनकी डेड बॉडी जानी है, उनको महुआ लेके जाना है, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी भेज रहा हूँ उनकी डेड बॉडी के लिए, डेड बॉडी लेके महुआ भेज रहा हूँ उन लोगों को, और जो भी उनको दिक्कत देगी उनका पूरा सहयोग करने के लिए मैंने बोल दिया अपनी तरफ से। विधायक जी ने बोला था कि आपको जो भी सहयोग चाहिए होगा हम सहयोग करेंगे, विधायक जी के कहने अनुसार, मंत्री जी के कहने अनुसार उन्होंने पूरा हर तरीके सहयोग के लिए बोल दिया है। मुख्य चीज से जो पीड़ित व्यक्ति थे, उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, मृत्यु भी हो गई थी, वो लोग अस्पताल लेकर आए थे। डॉक्टर चूँकि जो रेगुलर डॉक्टर है वो उस दिन औकात में थे, डॉक्टर चिकित्सा सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ है। उनका कहना था कि डॉक्टर चिकित्सा सुविधा यदि उपलब्ध हो जाती तो शायद जान बच सकती थी। बाद में BMO साहब से संपर्क किया गया, तत्काल दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और उनका यही था कि डॉक्टरी सुविधा नहीं मिल पाने के कारण बच्चे की मौत हुई। सर, ये बड़ा क्षेत्र है और ऐसे में जब डॉक्टर एक अवकाश पर जाता है तो क्या संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ पर कोई दूसरा डॉक्टर वैकल्पिक तौर पर जितने दिन वो अवकाश में रखा जाए? बिल्कुल होनी चाहिए। इस बारे में कल BMO साहब से बातचीत होगी और उसकी जाँच भी होगी कि व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी।